विधायक भगवा पार्टी ने छत्तीसगढ़ के सीएम के लिए विष्णु देव साय के नाम पर फाइनल मोहर लगाकर हर किसी को चौंका दिया था। अब ये नाम किसी पहचान का मोहताज नहीं। विष्णु देव साय से जुड़ी हर एक अनजानी कहानियां जानने के लिए उनके चाहने वाले बेताब हैं। ऐसी ही रोचक जानकारी हम आपके लिए लेकर आए हैं जो सुनकर आप खुद हैरान रह जाएंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के माने तो विष्णु देव साय को सिर्फ राजनीति का ज्ञान नहीं है बल्कि वो जंगली जड़ी बूटी के जानकार भी हैं। बताया जाता है कि छत्तीसगढ़ के नए सीएम का पदभार संभालने वाले विष्णु देव साय लोगों को पथरी की दवा मुहैया कराते हैं। कई लोगों को इससे फायदा भी मिला है। विष्णु देव साय से जुड़ी ये जानकारी भी निकलकर सामने आई है कि खेती बाड़ी का भी उन्हें अच्छा खासा समझ है। वो किसानों की तरह अपने घर में सब्जियां उगाते हैं। इतना ही नहीं, कोरोना काल के दौरान भी उन्होंने अपने गाँव में सब्जियां उगाकर दूसरे किसानों को प्रेरित भी किया। विष्णु देव साय की कोशिशों के बदौलत से गांव में कृषि के क्षेत्र में खूब तरक्की हुई। माना जाता है कि छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री को जनसंघ की विरासत अपने दादा स्वर्गीय बुधनाथ साय से मिली थी। उनके दादा 1947 से 1952 तक तत्कालीन सीपी एंड बरार विधानसभा में मनोनीत विधायक रहे। उनके बड़े पिताजी स्वर्गीय नरहरि प्रसाद साय 1977 से 1979 तक जनता पार्टी सरकार में संचार राज्य मंत्री थे। आदिवासी बहुल गांव बगिया के रहने वाले विष्णु देव साय एक किसान परिवार से आते हैं। उनके बारे में कहा जाता है कि पिता के निधन के बाद वो कॉलेज की पढ़ाई पूरी नहीं कर पाए। छोटी सी उम्र में ही उनके ऊपर पूरे घर की जिम्मेदारी आ गई, जिसके बाद उन्होंने अपने दो भाइयों को पढ़ा लिखा कर काबिल बनाया। एक भाई जय प्रकाश साय भारत हैवी इलेक्ट्रिकल में इंजीनियर है तो दूसरा भाई ओम प्रकाश साय को सरपंच बनाया। फिलहाल छत्तीसगढ़ के नए सीएम की दो बेटियों में से एक की शादी हो चुकी है, दूसरी बेटी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रही है, जबकि उनके बेटे तोशेंद्र ने पत्रकारिता और लिटरेचर की पढ़ाई की है। वो अभी रायपुर में फिटनेस इंस्ट्रक्टर के तौर पर काम कर रहे हैं। बता दें कि विष्णु देव साय 13 दिसंबर को बुधवार के दिन छत्तीसगढ़ के सीएम के तौर पर शपथ लेंगे। नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंच सकते हैं।